हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। आई होप सब बढ़िया होगा। लास्ट टॉपिक आता है कि ग्राफ्स, ठीक है। ग्राफ्स कई स्कूलों में ग्राफ्स पूछे जाते हैं, ठीक है। तो कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि डिज़ाइन याद कर लेते हैं कि अगर ऐसा रहेगा तो ये मोशन रहेगा, ऐसा रहेगा तो ये मोशन रहेगा, ऐसा रहेगा तो ये मोशन रहेगा, ठीक है, जो कि गलत है, ठीक है। तीन टाइप के ग्राफ होते हैं। पहला होता है डिस्टेंस वर्सेस टाइम या डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ, क्लियर है। दूसरा होता है वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। तीसरा होता है एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ, ठीक है। वेलोसिटी भी बोल सकते हो, स्पीड भी बोल सकते हो, स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ, ठीक है। ये तीन टाइप के ग्राफ होते हैं। आज अपन इसको डिटेल में पढ़ेंगे, एकदम आसान टॉपिक है, बस समझना आना चाहिए, क्लियर है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं ग्राफ्स, ठीक है। सबसे पहले ग्राफ मान लो डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ है, ठीक है। यहाँ पे मीटर लिखा रहेगा, यहाँ पे मीटर लिखा रहेगा, यहाँ पे सेकंड लिखा रहेगा, ठीक है। मतलब वाई एक्सिस पे तुमको मीटर की यूनिट मिलेगी और एक्स एक्सिस में तुमको टाइम की यूनिट मिलेगी, क्लियर है। तो इसका मतलब कौन सा टाइम हो गया, डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ, क्लियर है। तो उसमें मान लो पहला ग्राफ तुम्हारा ऐसा है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, बॉडी मूव कर रही है, ऐसा लगता है तुमको, ठीक है। देखो अगर ये ग्राफ है तो कोई पूछेगा कौन सा मोशन है, ठीक है। तो तुम बोलोगे ये कोई मोशन नहीं है, ये बॉडी क्या है, रेस्ट पे, इसकी वेलोसिटी क्या है, जीरो है। क्यों, देखो टाइम डिस्प्लेसमेंट कितना है, 5 मीटर, मान लो ये मान लेता हूँ 5 मीटर है, ठीक है। तो जीरो पे भी कहाँ पे खड़ा है ऑब्जेक्ट, 5 मीटर पे खड़ा है। 1 पे भी कहाँ पे खड़ा है, 5 मीटर पे। टाइम 2 हो गया तब भी कितने पे खड़ा है, 5 मीटर पे। टाइम 3 हो गया तब भी कितने पे खड़ा है, 5 मीटर पे। तो ऑब्जेक्ट चल रहा है क्या, नहीं चल रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, ऑब्जेक्ट क्या है, रेस्ट पे है, समझ में आएगी, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है। तो ये ग्राफ अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ आया, हमेशा रेस्ट पे नहीं होगा, अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ है और ऐसा कर बने तो क्या, रेस्ट पे, यानी कि इसकी वेलोसिटी क्या है, जीरो है, वेलोसिटी क्या है, जीरो है, और एक्सेलरेशन भी क्या है, जीरो है, क्लियर है, कोई दिक्कत इसमें, ठीक है। मान लो ऐसा कर देता है स्ट्रेट लाइन, ठीक है, ये क्या है, बॉडी मूव कर रही है। देखो ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ऐसे पॉइंट्स मार्क कर लो, ठीक है। अगर टाइम जीरो था तो डिस्प्लेसमेंट भी जीरो था, टाइम 1 है तो डिस्प्लेसमेंट भी 1 है मान लो, टाइम 2 तो डिस्प्लेसमेंट भी 2 है मान लो, टाइम 3 तो डिस्प्लेसमेंट भी 3, टाइम 4 तो डिस्प्लेसमेंट भी 4, टाइम 5 तो डिस्प्लेसमेंट भी 5। यानी कि जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे ऑब्जेक्ट की पोजिशन भी चेंज हो रही है, ठीक है। अभी देखो कि इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इक्वल टाइम पे, ये टाइम देखो इतना डिस्टेंस कवर किया, बाजू वाला टाइम देखो उतना ही डिस्टेंस कवर किया, उसके बाजू वाला टाइम देखो उतना ही डिस्टेंस कवर किया, मतलब इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम पे कवर कर रहा है, मतलब कौन सी वेलोसिटी होगी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी, यानी कि यूनिफॉर्म मोशन हो गया, ये समझना, यूनिफॉर्म मोशन हो गया, ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो गई, ठीक है। फिर कॉन्स्टेंट वेलोसिटी भी बोल सकते हो उसको, ठीक है, या यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। क्लियर, यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो होगा, एक्सेलरेशन जीरो होगा, क्योंकि कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, मतलब इसकी स्पीड क्या है, कॉन्स्टेंट है, स्पीड कॉन्स्टेंट है तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, वी माइनस यू अपॉन टी, मान लो पहले 5 थी अभी भी क्या है 5 है, तो 5 - 5 कितना होगा, 0 होगा, तो एक्सेलरेशन कितना आएगा, 0 आएगा, क्लियर है। तो एक्सेलरेशन इस केस में 0 आएगा, ठीक है। मान लो ऐसा, ठीक है, अब ये स्ट्रेट लाइन है क्या, नहीं स्ट्रेट लाइन नहीं, देखो एक सेकंड में पहले इतना चला, फिर अगले एक सेकंड में इतना चला, फिर अगले एक सेकंड में इतना चला, तो इक्वल टाइम पे अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, समझना, इक्वल टाइम पे, इक्वल टाइम पे अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है, समझ रहा, ठीक है। पहले इतने से इतने में इतना सा चला, फिर थोड़ा सा ज्यादा इतने में इतना सारा चल गया, क्लियर है। तो अनइक्वल टाइम पे इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा, अनइक्वल टाइम पे अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा, तो कौन सा मोशन होगा, एक्सेलरेटेड मोशन होगा,
एक्सेलरेटेड मोशन, क्लियर है ये, मतलब कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा, एक्सेलरेटेड मोशन नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है, एक्सेलरेटेड मोशन नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है, क्लियर है, मतलब इसकी वेलोसिटी कंटिन्यूअसली बढ़ते जाएगी, क्लियर है ये, ये हो गया तुम्हारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ, समझ में आया? अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ में स्पीड टाइम ग्राफ कहते हैं, ठीक है, इसमें लेफ्ट साइड में तुमको मीटर पर सेकंड दिया रहेगा, ठीक है, और बेस में तुमको दिया रहेगा टाइम, ठीक है, सेकंड आवर ऐसा कुछ दिया रहेगा, ठीक है, यहाँ पर टाइम की यूनिट रहेगी, यहाँ पर वेलोसिटी की यूनिट रहेगी, किलोमीटर पर आवर ऐसा कुछ, और यहाँ पर आवर, ठीक है, तो ये वेलोसिटी या स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ है, ठीक है, इसमें पहला तरह मैं बना रहा हूँ ऐसा, इसी के ऊपर, ठीक है, तो ये क्या है, ये कौन सा कर्व, ये क्या होगा, समझ रहे हो, ये जो मैं बनाया हूँ इसी के ऊपर बना रहा हूँ, ठीक है, तो देखो टाइम बढ़ते जा रहा है लेकिन वेलोसिटी क्या है, जीरो 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 जीरो, वेलोसिटी जीरो तो बॉडी क्या होगी, रेस्ट पे होगी, ठीक है, वेलोसिटी जीरो और एक्सेलरेशन भी, क्लियर है, समझना है, तो ये बॉडी रेस्ट पे है, वेलोसिटी जीरो है और एक्सेलरेशन भी जीरो है, क्लियर है, समझ में, ठीक है, अब मान लो ये कर्व ऐसा बना दिया स्ट्रेट लाइन, ठीक है, अब ये मान लो कुछ वैल्यू होगी, मान लो 2 मीटर पर सेकंड पे रहेगी, मान लो ये पॉइंट, ठीक है, वेलोसिटी ग्राफ में, तो टी इक्वल्स टू जीरो पे वेलोसिटी कितनी थी, 2 मीटर पर सेकंड, टी इक्वल्स टू 1 पे कितनी है, 2 मीटर पर सेकंड, टी इक्वल्स टू 2 पे कितनी है, 2 मीटर पर सेकंड, टी इक्वल्स टू 3 पे कितनी है, 2 मीटर पर सेकंड, तो हर पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी है, 2 मीटर पर सेकंड, और मतलब वेलोसिटी फिक्स है, वेलोसिटी फिक्स है मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो ये कौन सा होगा, यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है, या फिर एक्सेलरेशन इसका कितना होगा, जीरो होगा, ठीक है, या तो स्किप क्या होगा, कांस्टेंट वेलोसिटी या यूनिफॉर्म वेलोसिटी, समझना है, ठीक है, कोई दिक्कत सुन, ठीक है, अगला कर बनाता हूँ मैं ऐसा, पहले वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड थी, मान लो 10 मीटर पर सेकंड हो गया, ठीक है, देखो एक सेकंड में इतना बड़ा, फिर अगले एक सेकंड में उतना ही बड़ा, फिर अगले एक सेकंड में उतना ही बड़ा, फिर अगले एक सेकंड में उतना ही बड़ा, ठीक है, तुम देख रहे होगे इक्वल टाइम इंटरवल पे इक्वल वेलोसिटी का चेंज आ रहा है, वेलोसिटी बढ़ तो रही, वेलोसिटी बढ़ रही है मतलब कि यूनिफॉर्म मोशन का नहीं हो सकता, समझ में आई, वेलोसिटी अगर बढ़ रही है तो यूनिफॉर्म मोशन नहीं हो सकता, अब अगर ये यूनिफॉर्म मोशन नहीं है तो ये कौन सा मोशन है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है, अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन में भी एक्सेलरेटेड मोशन ही है, ठीक है, एक्सेलरेटेड मोशन तो है, एक्सेलरेटेड मोशन, लेकिन देख रहे हो कि इक्वल टाइम पे इक्वल वेलोसिटी का चेंज आ रहा है, इक्वल टाइम पे इक्वल वेलोसिटी का चेंज आ रहा है, इसका मतलब ये क्या हो गया, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, समझ में आएगा, ठीक है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा, मतलब कि ए की वैल्यू कुछ होगी कांस्टेंट, बढ़ नहीं रही होगी कम नहीं हो रही है, मान लो एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का है तो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का ही रहेगा जिंदगी भर, समझ में आएंगे, कोई दिक्कत में, ठीक है, मानो ग्राफ में ऐसा हो गया, ठीक है, ठीक है, मानो 10 था, अब 2, अब स्पीड क्या होगी, डिक्रीज होगी, तो ये क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन तो होगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन तो होगा, लेकिन यूनिफॉर्मली रिटार्डेड मोशन होगा, रिटार्डेड मोशन, क्योंकि इसमें स्पीड क्या हो रही है, कम हो रही है, ठीक है, यूनिफॉर्मली डीएक्सेलरेटेड मोशन होगा, समझ में आएंगे, ठीक है, इक्वल टाइम पे इक्वल स्पीड कम होगी, देखो एक सेकंड में इतनी कम हुई, फिर एक सेकंड में इतनी कम हुई, बराबर फिर एक सेकंड में उतनी कम हुई, क्लियर, ग्राफ पर आओगे तो प्रॉपर दिखेगा तुमको, तो हर एक सेकंड के लिए इक्वल स्पीड कम हो रही है, क्लियर है, तो ये क्या कहलाएगा तुम्हारा, यूनिफॉर्मली रिटार्डेड मोशन, देखो स्पीड बढ़ रही है तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन तो होगा ही, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, लेकिन इक्वल टाइम पे इक्वल स्पीड भी नहीं बढ़ रही है,
हर सेकंड, पहले इतने सेकंड में इतना सा बस बढ़ा, फिर अगले सेकंड में इतना बढ़ गया, फिर अगले सेकंड में इतना बढ़ गया, फिर अगले सेकंड में इतना बढ़ गया। ठीक है, देखो यहाँ पर बस इतना स्पीड बढ़ा था, यहाँ पर बहुत स्पीड बढ़ गया। ठीक है, इक्वल टाइम पे अनइक्वल स्पीड का चेंज आ रहा है, यानी कि ये क्या हो गया, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, मतलब इसमें एक्सेलरेशन भी कॉन्स्टेंट नहीं है। क्लियर है, यह क्या हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेड मोशन। समझ में आ गई कोई दिक्कत में? ठीक है, फिर आते हैं पर एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ। मान लो एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ में ये है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, टाइम जैसे जैसे बढ़ाओगे एक्सेलरेशन जीरो है, जीरो है, जीरो है, जीरो है, जीरो है। तो एक्सेलरेशन अगर जीरो है तो उसको कैसे क्या होगा, यूनिफॉर्म मोशन, क्योंकि अगर एक्सेलरेशन जीरो है तो स्पीड ना बढ़ रही है ना घट रही है, ना स्पीड बढ़ रही है ना घट रही है, मतलब स्पीड क्या है, कॉन्स्टेंट है, यानी कि ये नॉन ये यूनिफॉर्म मोशन है। क्लियर है? ठीक है, मान लो ग्राफ ऐसा है, ठीक है, अगर ग्राफ ऐसा है तो उसको क्या बोलेंगे अपन, मान लो स्पीड 2 m/s² है। ठीक है, तो हर सेकेंड में, हर सेकेंड 0 पे 2 m/s², 1 पे 2 m/s², 2 पे 2 m/s², 3 पे 2 m², एक्सेलरेशन कॉन्स्टेंट हो गया कितना, 2 m/s². और जब एक्सेलरेशन कॉन्स्टेंट हो, मतलब कि तुमने एक्सेलरेटर बढ़ा के प्रॉपर रख दिया, तो धीरे 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 स्पीड बढ़ते जाएगी, बढ़ते जाएगी, बढ़ते जाएगी, बढ़ते जाएगी। ठीक है, मतलब एक्सेलरेटर दिया तो मतलब स्पीड बढ़ेगी, स्पीड बढ़ेगी, तो एक कौन सा हो, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, लेकिन एक्सेलरेशन कॉन्स्टेंट है तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। समझ में आई? ठीक है, एक्सेलरेशन कॉन्स्टेंट मतलब स्पीड इक्वल टाइम पे इक्वल चेंजेस दिखाएंगे। समझ में आई? ठीक है, मान लो नीचे पे तो एक्सेलरेशन नेगेटिव, एक्सेलरेशन नेगेटिव, नेगेटिव एक्सेलरेशन क्या कहलाता है, रिटार्डेड मोशन। तो एक्सेलरेशन है मतलब क्या हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, बट एक्सेलरेशन कॉन्स्टेंट है तो यूनिफॉर्मली डी एक्सेलरेटेड मोशन। समझ में आए? ठीक है, इसका मतलब धीरे धीरे एक्सेलरेशन तुम बढ़ाते जा रहे हो। ठीक है, पहले 0 पे 0 एक्सेलरेशन था, 1 पे फिर कुछ एक्सेलरेशन हुआ, 2 पे फिर कुछ और एक्सेलरेशन हुआ, 3 पे कुछ और एक्सेलरेशन हुआ, तो एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है। तो इस पॉइंट इसके इसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, ये हो या फिर ऐसा टर्म इधर है, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ का, तो भी ये क्या है, नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। समझ में आई? ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा ग्राफ्स। ठीक है, तो ग्राफ समझ में आ गया। ठीक है, देखो डिजाइन देखोगे तो ये डिजाइन, ये डिजाइन, ये डिजाइन सेम है, लेकिन हर का मतलब अलग अलग है। यहाँ पे बॉडी रेस्ट पे, ठीक है, यहाँ पे बॉडी कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है, और यहाँ पे बॉडी एक्सेलरेटेड है। तो ग्राफ की डिजाइन याद नहीं रखना, ठीक है, अपन को याद रखना है कंसेप्ट। ठीक है, अगर स्पीड चेंज हो रही है, सिंपल सा कंसेप्ट है, अगर स्पीड जीरो है तो बॉडी रेस्ट पे, या वेलोसिटी जीरो है तो बॉडी रेस्ट पे, अगर स्पीड चेंज हो रही है तो वेलोसिटी मोशन पे, ठीक है, मतलब बॉडी मोशन पे, और बॉडी अगर मोशन पे तो हो सकता है वो एक्सेलरेटेड मोशन हो सकता है वो यूनिफॉर्म मोशन हो। तो स्पीड अगर इक्वल इंटरवल पे चेंज अगर हो रही है, स्पीड अगर चेंज हो रही है तो वो क्या होगा, एक्सेलरेटेड मोशन होगा, अगर स्पीड चेंज नहीं हो रही तो क्या होगा, यूनिफॉर्म मोशन होगा। ठीक है, यहाँ पे बॉडी रखी है 5 m/s, 5 m/s, 5 m, तो ये क्या होगा, रेस्ट पे हो गया। ठीक है, यहाँ पे बॉडी चेंज कर रही है तो ये यूनिफॉर्म मोशन है, क्योंकि इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है इक्वल टाइम पे। यहाँ पे अनइक्वल कवर कर रही है इक्वल टाइम पे डिस्टेंस, तो क्या हो गया, अनयूनिफॉर्म मोशन है। ठीक है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ हो गया, वेलोसिटी जीरो तो रेस्ट पे, वेलोसिटी कॉन्स्टेंट तो यूनिफॉर्म मोशन पे, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है,
वेलोसिटी डिक्रीज करे तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, ठीक है, वेलोसिटी अनइक्वल टाइम पे चेंज हो रही है, इक्वल टाइम पे अनइक्वली चेंज हो रही है, तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेड मोशन, ठीक है, एक्सेलरेशन जीरो, कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट मतलब यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, एक्सेलरेशन नेगेटिव मतलब यूनिफॉर्मली डीएक्सेलरेटेड मोशन, एक्सेलरेशन अगर चेंज हो रहा है तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, समझ में आए कोई दिक्कत में, ठीक है, आई होप ये पूरा समझ में आ गया। इसके आगे अपन करेंगे डेरिवेशन, तीन डेरिवेशन है, ठीक है, पहले भी कर चुके हैं मैथमेटिकली, अब करेंगे ग्राफिकली, समझ में आएंगे, नेक्स्ट क्लास में अपन इसको कवर करते हैं, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।